उपनिषद सुधा पार स तो तत्पद मापनोति यस्माद भूयो न जायते। ए पहलू पद प्राप्त करे छे ज्यांथी फरी ए जन्मतो नथी। कठोपनिषद नो स्वाध्याय चाले छे। यम देव नचिकेता ने रथना सांग रूपक थी सुंदर मननीय अने हृदय मां धारण करवा योग्य उपदेश आपे छे। ज्यां उपमान अने उपमेय वच्चे अभेद छे एवू दर्शावाय तेने रूपक अलंकार कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके मुखचंद्र, मुख एज चंद्र एम कयुं एटले रूपक अलंकार थयो। अहीं मुख उपमेय छे अने चंद्र उपमान। हवे ज्यारे उपमेयना जुदा जुदा अंगों साथे अभेद छे एवुं दर्शावाय त्यारे ए सांग रूपक बने, एटले अंगों साथेनुं रूपक होवाथी अहीं आत्माने रथनो मालिक गणाव्यो छे अने एना जुदा जुदा अंगोनो रथना जुदा जुदा अंगों साथे अभेद दर्शाव्यो छे। आत्माने रथी एटले रथनो स्वामी जाणो, शरीरने रथ जाणो, बुद्धिने सारथी अने मनने लगाम जाणो। इंद्रियोने घोड़ा कहेवाय छे अने विषयो ए घोड़ाने विचरवाना मार्गो छे। शरीर इंद्रिय अने मनथी जोड़ायेलो आत्मा ए भोक्ता छे। हवे जे विज्ञान साचुं ज्ञान राख्या विना एटले विवेक विना वशमां न होय तेवा मनथी घोड़ा हाँके छे, ए सारथीनी इंद्रियो खराब घोड़ाओनी जेम वशमां रहती नथी। पण जे विज्ञान विशिष्ट ज्ञान वाळो विवेक सहितनो छे तेनी इंद्रियो सारा घोड़ाओनी जेम वशमां रहे छे। जे विज्ञान विनानो मनने वशमां नहीं राखनारो अने अपवित्र होय छे ए परमपदने प्राप्त करतो नथी। पण जे विज्ञान वाळो मनने वश करनारो अने पवित्र होय छे ए पेला परमपदने पामे छे ज्यांथी फरी ए जन्मतो नथी। आदि शंकराचार्य आखू रूपक विगते समझावे छे। आत्मा कर्म फळनो भोगवनार छे एटले ए रथी छे। जेम रथनो मालिक रथने भोगवे एम आजनी भाषामां मोटरनो मालिक मोटर भोगवे एने ज्यां जवुं होय त्यां हाकी जाय छे। शरीर रथ छे, अहीं एने खेंचनारी इंद्रियो एने लई जाय छे माटे ए रथ छे। इंद्रियो घोड़ा छे, रथने एकथी बीजा स्थळे खेंचवानुं काम घोड़ा करे तेम पांच ज्ञानेन्द्रियो अने पांच कर्मेन्द्रियो अने अग्यारमुं मन आ शरीर रूपी रथने जुदा जुदा स्थाने खेंची जाय छे। आ इंद्रियो रूपी घोड़ाने नियमनमां राखवा माटे बुद्धि छे। बुद्धि अध्यवसान लक्षणा एटले निश्चय करनार रूपी लक्षणवाळी छे। आपणे त्यां मन बुद्धि चित्त अने अहंकार आ चारने अंतःकरण एटले आंतरिक करण मनाया छे। मनन करे ते मन, निश्चय करे ते बुद्धि, चिंतन करे ते चित्त अने एनो संग्रह करे ते अहंकार। आ रथना घोड़ा माटे सारथी जोईए अने ए छे बुद्धि। सारथीना हाथमां लगाम जोईए अने मनने अहीं लगाम गणाव्यु छे। इंद्रियो रथना घोड़ा छे, आ घोड़ा रथने खेंची जाय छे अने घोड़ाओने फरवा माटे प्रदेश एटले विषयो। शब्द स्पर्श रूप रस अने गंध ए स्त्रोत्र, त्वचा नेत्र जीवा अने नाकना विषयो छे अने इंद्रिय अने मनथी युक्त आत्मा ए भोक्ता छे। अहीं आत्मा स्वयं शुद्ध निर्मळ अने निर्लय छे, परंतु बुद्धि वगैरे उपाधियों साथे जोड़ाय छे एटले ए भोक्ता बने छे। आ समझावा शंकराचार्ये बृहदारण्यक उपनिषद माथी विधान टाँक्यू छे। ध्याय तीव लेलाय तीव, जाने के ध्यान करतो, जाने के चेष्टा करतो आत्मा। खरे ज ध्यान के चेष्टा नथी करतो, पण जाने के एवू करतो होय तेवू जणाय छे। हवे लाख टकानो सवाल ए थयो कि आ देह तो मुक्ति माटे मळ्यो छे, तो केवी रीते बंधन के मुक्त थवाय। अहीं स्पष्ट जणावे छे के जे ज्ञान विनानो विवेक विनानो अने मनने वश नथी करतो तेनी इंद्रियो एने वश थती नथी। जेम दुष्ट तोफानी गोळा होय तो रथने गमे त्यां खेंची जाय। मित्रो, मननो विश्वास करवो ए महापाप छे। पाणी अने मन आ बेनी गति हमेशा नीचेनी दिशामां ज होय छे।
જે મન કહે તેમ કરે છે પડે છે, પણ જે બુદ્ધિ રહે તેમ કરે છે તે જીવનમાં ઉપર ચડે છે। અહીં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે વિજ્ઞાનવાળો એટલે વિવેકી છે। સારું અને ખોટું એ બેનો ભેદ તારવવો એનું નામ વિવેક। એ જેનામાં હોય અને ઉપનિષદના શબ્દોમાં સદા સૂચિહી હંમેશ પવિત્ર હોય, આંતર અને બાહ્ય પવિત્રતા જાળવતો હોય એ જ પેલા પરમપદને પામે છે। એ કેવું છે તો કહે છે યસ્માદ ભૂયો ન જાયતે, અર્થાત જ્યાં ગયા પછી એ ફરી પાછો જન્મતો નથી। ગીતા યાદ આવી જાય છે યદ ગત્વાન નિર્વંતતે તદ્ધામ પરમમ મમ, જ્યાં ગયા પછી પાછો ફરતો નથી એ પરમધામ મારું છે। આપણે પ્રભુના પરમધામમાં જવું હોય તો બુદ્ધિરૂપી સારથી દ્વારા મનરૂપી લગામથી આપણા ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડાઓને વશ કરવા જોઈએ।